क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी आप अगले 3 महीने में कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर पैटर्न, सिलेबस और प्रिपरेशन गाइड के बारे में, आपको प्रिपेयर करना कैसे। फिर हम बात करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के जो आपके पेपर आए हैं उनका एनालिसिस हम लोग करेंगे छोटा सा ब्रीफ। फिर हम बात करेंगे टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, बात आप चाहे करो मेजर सब्जेक्ट की, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फैमिली लॉ हो गया, या फिर जो आपके माइनर सब्जेक्ट की हो गया, चाहे कंपनी लॉ हो, टैक्स लॉ हो, हम लोग सबकी बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि आपको केस लॉ को कैसे कवर करना है, और लास्टली जो स्टडी रिसोर्सेज आप यूज करोगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरी स्ट्रेटजी को समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे आपको 3 महीने में बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करते हुए इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न की, वेरी वेरी सिंपल, ये एग्जाम आपका 2 घंटे का होता है, 120 मिनट्स आपको टोटल मिलते हैं, आपको उसके साथ में मिलते हैं 120 क्वेश्चन। आप 1 मार्क्स का सही करोगे 1 मार्क मिलेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है। 1 क्वेश्चन गलत करोगे 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। आपका जो पेपर होता है उसके अंदर 20 पैराग्राफ होते हैं और हर पैराग्राफ के साथ 6 क्वेश्चंस अटैच होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन के अंदर से आपको आंसर मिलेगा और कुछ का आपके नॉलेज टेस्टिंग के लिए आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितना याद है या फिर आपने कितना पढ़ा। फिर अगर हम लोग इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की, अब देखिए अगर आप क्लैट वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एग्जैक्टली यही सिलेबस मिलने वाला है, और इस सिलेबस के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग से दिख रहा है, लिखा हुआ है, विच मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम। और ये चीज हम लोग 3 साल के पैटर्न में देखते हैं, दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का आपका जो वेटेज होता है वो आपका हाफ से लेके करीब करीब 1/3 तक आता है, मतलब आपके 6 आपके पैराग्राफ, 4 से लेके 6 पैराग्राफ या फिर मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आते हैं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं और सब्जेक्ट्स की, तो आपके ज्यूरिसप्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बाकी सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है, ये लिस्ट आपके सामने। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रिपेयर आपको कैसे, तो देखिए अगर कंसोर्शियम के हम माने तो आपको इस चीज पूरे क्लैट एग्जाम के अंदर आपकी जो एबिलिटी होती है रीड करने की या फिर कॉम्प्रिहेंड करने के इश्यूज को किसी भी आर्गुमेंट या फिर व्यू पॉइंट में, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी अवेयरनेस जो कि इश्यूज डिस्कस करे गए हैं पैसेज के अंदर, और साथ में जो लीगल फैक्ट्स हैं और जो इश्यूज हैं जो जजमेंट्स के अंदर यहाँ पे डिराइव जो पैसेज एक्सट्रैक्ट करा गया है पैसेज उसके अंदर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी जो एबिलिटी है कि कैसे आप इस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो इन द फील्ड ऑफ लॉ जो कि पैसेज में डिस्कस करा गया। और जब आप बात करते हो प्रिपेयर करने की एग्जैक्टली, तो इसके अंदर लिखा ये हुआ है कि आपको रीड और रिफ्रेश करनी है अपने नॉलेज को फॉर द इम्पोर्टेंट जजमेंट्स, और उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या फिर लीजिस्लेटिव प्रोविजंस है जो कि रीसेंट जजमेंट्स के अंदर और हिस्टोरिकल केसेस के अंदर डिस्कवर्ड है या फिर आपके अमेंडमेंट्स के अंदर है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो अपनी प्रिपरेशन को करना है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के पेपर पैटर्न के एनालिसिस की, तो देखिए आपको जो लास्ट 3 ईयर रहा है उसके अंदर आप जो पेपर है उसको आप कह सकते हो कि जो सब्जेक्ट उसके अंदर आते हैं उनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे। ये जो कैटेगरी हो गई इसमें आपका मैं पहले भी अपनी वीडियोस बता चुका हूँ, Tier 1 सब्जेक्ट्स, ये आपके Tier 2 सब्जेक्ट्स हो गए, ये आपके Tier 3 सब्जेक्ट्स हो गए। ये जो आपके सब्जेक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली, ज्यूरिसप्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। इन सब्जेक्ट्स के साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हो, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बिकॉज इसमें से आपका समझ लीजिए करीब 50 से लेकर 60% आपका पेपर पूरा का पूरा इन सब्जेक्ट्स के अंदर से आता है। तो दैट इज व्हाई दीज आर द सब्जेक्ट्स जिसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम अपना देना है। देन जो सेकंड आपकी कैटेगरी आती है वो आती है ऐसे सब्जेक्ट्स की जिनका की जो पैराग्राफ का नंबर है कभी वो 3 आता है, कभी वो 1 आता है, कभी वो 2 आता है, लेकिन आता जरूर है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके लिए अगर आप बात करो क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले, तो इसके अंदर आपका आईपीसी और सीआरपीसी और साथ में आपके एविडेंस, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं दीज आर द ट्रायार्की ऑफ कह लो आप क्रिमिनल लॉ, और फिर आपका एनवायरमेंट लॉ, इसका हर बार पैराग्राफ आया है एनवायरमेंट और क्रिमिनल का, तो आपको भी इसको अच्छे से पढ़ना है, बट इसमें उतना टाइम आपको नहीं इन्वेस्ट करना है कंपेयर टू द Tier 1 सब्जेक्ट्स। फिर थर्ड उसकी बात करते हैं मिसलेनियस सब्जेक्ट्स। अब ये जो आपके मिसलेनियस सब्जेक्ट्स होते हैं इसका जो आपको परसेंटेज होता है वो ज्यादातर आपका 5% से लेकर 10% आप मैक्स मान सकते हो, उससे ज्यादा इन सब्जेक्ट्स के अंदर से आता नहीं है। पर ये जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपके रैंक डिसाइडर होते हैं, बिकॉज ज्यादातर लोगों को ये वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना ऊपर वाले Tier 1 के और Tier 2 के ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनके बारे में नॉलेज होती है, पर Tier 3 के बारे में लोग होते हैं वो कम पढ़ते हैं, ठीक है, बिकॉज ये एक्सपेक्ट नहीं करके चलते हैं कि यार ये भी आ सकता है। ज्यादातर जो लोग जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए उनके सिलेबस में ये सब्जेक्ट्स आते नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट वेरी वेरी वेल नोन। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए आपको डेफिनेट सी बात है ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको केवल जो रिसेंट केस लॉज आए हैं या फिर जो केवल इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इन एक्ट्स के अंदर या फिर जो सब्जेक्ट्स के अंदर आपको केवल उनको पढ़ना है। हम लोग बात करेंगे टॉपिक वाइज कि कैसे आप इस चीज को कवर करो। सबसे पहले स्टडी करने का तरीका क्या है किसी भी सब्जेक्ट्स। अब देखो यार अगर आप अपनी प्रिपरेशन को सबसे पहले एनालाइज नहीं करोगे कि आपने कहां तक पहले पढ़ रखा है, क्योंकि आप 5 साल तो या फिर 3 साल से लॉ पढ़ रहे हो
या फिर आप जुडिशरी की तैयारी करो, कुछ तो कर रहे हो, तो पहले अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करो, ये देखो कि किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी कमांड है, वो देखने के बाद कलेक्ट करना शुरू करो रेलिवेंट स्टडी मटीरियल। रेलिवेंट स्टडी मटीरियल से मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब यह है कि आप बुक्स की बात कर लो, मैं रेकमेंड करूंगा एके जैन सीरीज, और मान लो कोई ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें एके जैन में कवर नहीं है तो उसके लिए दुखी सीरीज की जो बुक्स आती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उसको आप रेफर करो, ठीक है। उसके बाद उसके रिलेटेड अगर मान लो आपको यूट्यूब से पढ़ने का मन है तो यूट्यूब के वीडियोस के प्लेलिस्ट को देख लो, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, बस एक बार सर्च करने की देर है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टार्ट, आप पढ़ना या फिर रिवाइज करना करो सब्जेक्ट को शुरू, सीधी सी बात है। उसके बाद जितने भी केस लॉज है उस सब्जेक्ट के अंदर उनको साथ में पढ़ो। अब देखो इसमें आपके दो अप्रोच आते हैं, पहला अप्रोच ये होता है कि आप एंकर किस चीज को मान रहे हो। अगर आप अपने सब्जेक्ट को एंकर मानते हो, जैसे मान लो मैं अगर बात करूं टीयर वन सब्जेक्ट की, तो उसमें दो सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसमें कि ज्यूरिसप्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ में आपके केसेस ज्यादा होते ही नहीं, केस लॉस होते ही नहीं है, तो उनको आपको जो बेसिस आपको बनाना है वो आपको आपकी जो बेयर एक्ट है या फिर जो आपका टेक्स्ट है उसको आपको बनाना है, बुक को बनाना है। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जिसमें के अंदर केस लॉस दिए हुए हैं उसके अंदर आप केस लॉ के अंदर दिया हुआ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके हिसाब से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। उसके अंदर आप सीधे सीधे वो पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है उनको एलिमिनेट कर सकते हो, पर जो टीयर वन सब्जेक्ट से उनके लिए यह अप्रोच थोड़ी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। आप अपना एंकर बेयर एक्ट को ही बनाना फॉर टीयर वन सब्जेक्ट्स, विच आई मीन फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके लिए अपनी जो आपकी बेयर एक्ट है उसको ही अपनी फाउंडेशन बना के पढ़ना ज्यादा सही रहेगा, केस लॉज को फाउंडेशन मत बनाना। फिर बात करेंगे क्रिमिनल लॉ की, एनवायरमेंट लॉ की या फिर टीयर थ्री सब्जेक्ट्स की, उनके अंदर आप ये काम आराम से कर सकते हो कि आप केस लॉज के अंदर कवर्ड जो आपके टॉपिक्स हैं आप केवल उनको पढ़ो, या फिर जो आपके रिसेंट में अमेंडमेंट्स या फिर जो आपके रिसेंट में जो चीजें चेंजेस आ रहे हैं लेजिस्लेचर के थ्रू जो लाई जा रहे हैं एक्ट्स या वो उनको आप पढ़ोगे, अमेंडमेंट्स को आप पढ़ोगे तो आपका काम हो जाए, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इसके बाद जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज होते हैं उनको आप प्रैक्टिस करो, मैं मॉक पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं। हर सब्जेक्ट के अंदर जो जो टॉपिक पढ़ रहे हो भाई उसका एमसीक्यू अगर आप लगाओगे तो आपका जो दिमाग होता है वो प्रैक्टिस मोड में आएगा कि हाँ भाई एमसीक्यूज लगाने से मैंने जो पढ़ा उसको मैंने एप्लीकेशन में अपने उतारा, प्रैक्टिस में उतारा। और फिर लास्ट में आपको जो आपका लास्ट का एक महीना बचेगा या फिर आपका जो लास्ट का दो महीना बचेगा उसमें आपको भयंकर तरीके से बस मॉक पेपर ही देने हैं, और उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, रिवाइज करो, मॉक पेपर दो, मॉक पेपर पढ़ो, फिर रिवाइज करो, उससे आपकी जो प्रैक्टिस बनेगी दैट विल बी द फाउंडेशन फॉर योर क्लैट पीजी पेपर सक्सेस। बिकॉज आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी एबिलिटी होगी, उतना आप जल्दी एलिमिनेशन प्रोसेस सीख पाओगे, उतनी जल्दी आप पैराग्राफ में से आंसर निकालना सीख पाओगे, उतनी जल्दी आपकी जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो इंक्रीज करेगी। और सेकेंड थिंग ये है कि पढ़ने की आदत डालो, आप अगर मान लो किसी ब्लॉग से पढ़ रहे हो, किसी केस से पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, रीडिंग एबिलिटी अगर अपनी डेवलप करोगे तो जितना ज्यादा आपको रीडिंग की हैबिट बनेगी ना उतना ज्यादा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपके सामने जैसे ही कोई टेक्स्ट आएगा आप तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि हाँ ये मैंने ना कहीं पढ़ा हुआ है, और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राधर दैन केवल उसको आप एक अपनी नोटबुक में लिख कर उसको केवल मगअप करोगे तो वो शायद उतना बेनिफिशियल ना हो। रीडिंग की थोड़ी एबिलिटी अगर आप डाल पाओ दैट विल बी वेरी वेरी एसेंशियल फॉर दिस। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए थोड़ी हेल्प चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं मोर देन 200 केस लॉज के लेक्चर्स, जिसमें कि हम लोग टॉपिक के साथ इन लेक्चर्स के अंदर केस लॉज को कवर करेंगे, साथ में ज्यूरिसप्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ के लिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट उसके अंदर रहेंगे टॉपिक्स उसको हम लोग कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग 70 मॉक पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल लेंथ के मॉक पेपर्स, और उसके अंदर हम लोग कोशिश ये भी करने वाले कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज आपको जो क्लासिफिकेशन है वो भी करके उस मॉक पेपर के अंदर दे दे ताकि आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाए पढ़ने का। लास्टली हम लोग जो भी बचे हुए केसेस हैं जो वीडियो लेक्चर्स में कवर नहीं होंगे उनको हम लोग अपना जो स्टडी मटेरियल है उसमें कवर करेंगे, तो आपका फुल कवरेज आपको केस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोर्स के अंदर मिलेगा। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप कर सकते हो, आपके लिए प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, आप पढ़ भी पाओगे, जितनी केस लॉ से जुड़े हुए बातें हैं वो सारी की सारी हम लोग कवर आपके लिए कर देंगे। फिर मैं अगर बात करता हूँ, शुरू करता हूँ कि सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पढ़ना क्या, तो देखो अगर आप अपनी प्रिपरेशन की बात कर रहे हो फॉर क्लैट पीजी एग्जाम तो आप एक तरीका मैं आपको बताता हूँ वो आप यूज कर सकते हो। देखो तरीका क्या है कि आपके जो सब्जेक्ट्स ना उनको आप तीन स्लैब्स में डिवाइड करो। स्लैब नंबर वन होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स, मेरा मतलब इससे क्या है कि आपका इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिन लॉ, इसके बाद आपके ऐसे जो लॉज होते हैं जिनका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो डिराइव होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे मान लो एनवायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट जो भी होता है डेरिवेशन लेता है वो आपका आर्टिकल 21 और उससे जुड़े हुए फंडामेंटल राइट्स उससे लेता है। लेबर लॉ का भी आपका सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है। फिर फैमिली लॉ की अगर आप बात करो जो कि आप इसको कहीं और क्लासिफाई नहीं कर सकते हो, तो फिर आप इसको
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्लैब में अगर क्लासिफाई करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ये जो स्लैब है ये आपका पहला हुआ, दूसरा स्लैब आपका हुआ क्रिमिनल लॉ का स्लैब, ठीक है। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ के स्लैब के अंदर आप क्या क्या कवर करोगे, आप कवर करोगे सीआरपीसी को, आप कवर करोगे आईपीसी को, इसके बाद आप कवर करोगे एविडेंस को, और फिर जो बाकी आपके माइनर एक्ट होते हैं जेजे हो गया, यूएपीए हो गया, एनडीपीएस हो गया, इन सारे एक्ट्स को आप क्रिमिनल लॉ के अंदर कवर करोगे, ठीक है। और लास्टली फिर आपका आता है कमर्शियल आपका स्लैब, इस कमर्शियल स्लैब के अंदर आप कवर करो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी लॉ को, इसके बाद आपका एनआई एक्ट मान लो आप पढ़ना चाहते हो उसको करो। तो ये से जिस तरीके से अगर आप इन तीन स्लैब में ना 1-3 में डिवाइड करके पढ़ोगे तो उससे क्या होगा कि आप एक बार में एक जैसे जो माइंड लाइक माइंडेड होती है ना सब्जेक्ट उनको आप पढ़ पाओगे, लाइक माइंडेड जो अप्रोच लगाता है जिसमें, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर आप बात करो क्रिमिनल के अंदर जो पढ़ने का स्टाइल होता है, फिर जो दिमाग आपका होता है वो अलग तरीके से वर्क करता है फॉर ईच सब्जेक्ट। कमर्शियल लॉ में अलग तरीके से पढ़ना होता है, क्राइम में अलग तरीके से पढ़ना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग तरीके से पढ़ना होता है। तो फिर आप इस तरीके से अगर इसको डिवाइड करते हो तो फिर आप इससे ये समझ सकते हो कि आपको मंथ वाइज कैसे अपने टाइम को डिवाइड करना है इन तीन सब्जेक्ट्स के अंदर। मेरा बेस्ट एडवाइस ये रहेगा कि पहले आप टीयर वन सब्जेक्ट्स को अपना कंप्लीट करो और उसके अंदर स्लैब वाइज अप्रोच के हिसाब से डिफरेंशिएट कर लो कि हाँ मैं पहले कॉन्स्टिट्यूशन को और फैमिली लॉ को एक साथ पढ़ूंगा, पूरा पढ़ के खत्म करूंगा और उसके मिजाज से ना 10 दिन लगाऊंगा, उसके बाद मैं आऊंगा क्रिमिनल लॉ के ऊपर, उसके अंदर भी मैं जो है सीआरपीसी आईपीसी को उतना डिटेल में नहीं पर आराम आराम से जो केस लॉ में प्रोविजंस कवर्ड है वो पढ़ते हुए खत्म करूंगा, फिर मैं लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट पे आऊंगा और उसको मैं पूरा खत्म करूंगा, इसके अंदर मैं 5 दिन और 2 दिन लगा दूंगा। तो आपका टोटल आप समझ लो 15 दिन का हो गया, 15 दिन में आपके मेन जो सब्जेक्ट थे वो खत्म हो गए, उसके बाद आप आराम से माइनर सब्जेक्ट पे, माइनर सब्जेक्ट के अंदर फिर स्लैब वाली थ्योरी अप्लाई करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर लॉ, इसको पढ़ना शुरू करना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसमें थोड़ा दिन लगाया, फिर क्रिमिनल लॉ के हिसाब से मेजर से माइनर से वो पढ़ लिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कंपनी लॉ उसमें वो पढ़ लिया आपने, तो इससे आपका जो एक पूरा प्रोसेस है वो अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। ये मेरी एडवाइस आपको रहेगी कैसे आपको पढ़ना है। फिर दूसरे महीने से क्या करना, दूसरे महीने से ना एमसीक्यूज लगाना और मॉक पेपर्स लगाना तुरंत शुरू करना, बिकॉज कम से कम 2 महीने आप अगर मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करते हो, और मेरे तरफ से मिनिमम रिकमेंडेड है कि आप कम से कम 20 से लेकर 20 मिनिमम और 30, 40, 50 जितना लगा पा रहे हो मॉक पेपर्स लगाओ, बिकॉज उससे कम अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन अभी क्लैट पीजी में है आपके लिए उसको बीट कर पाना, सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो प्लीज अच्छे से मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करना और मॉक पेपर को लगाने के बाद उसके जो आंसर्स होते हैं उसको बार बार रिवाइज करना, ताकि आपकी एक हैबिट बने कि हाँ जो मैं गलती कर रहा हूँ मुझे समझ में आती है, और फिर दोबारा उस मॉक पेपर को लगाना ताकि वो गलती आप दोबारा रिपीट ना करो। और कोशिश ये करना कि किसी भी मॉक पेपर के अंदर अगर आप स्कोर ला रहे हो तो कम से कम 75-80 के आसपास अगर आप रख पाते हो देन इट विल बी वेरी वेरी गुड, आप अच्छे से जो मेन एग्जाम आते हैं उसमें अच्छे से स्कोर कर पाओगे। फिर अगर हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको सबसे पहले देखिए क्या क्या पढ़ना है, और ये जो पूरी लिस्ट है टॉपिक्स की ये हम लोग बात करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि केस लॉज के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए थे उसके हिसाब से हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि आपके लिए ये पढ़ना तो एसेंशियल है, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे हिसाब से जो मोस्ट एसेंशियल टॉपिक्स हैं वो आपके ये वाले होने वाले। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तो आपका देखिए प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 14, ये जो आपके पूरे आपका स्लैब है इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपका आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आपका आर्टिकल 16 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप करिएगा। इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ दूसरे स्लैब की तो आपका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 21 जो आपका पूरा का पूरा टॉपिक दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। आपको जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के अंदर जो टॉपिक आपको देखने वो आपके स्क्रीन के ऊपर लिस्टेड है, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल्स इसके आगे की तो आपके आर्टिकल 32 और 226 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, उसको कायदे से करिएगा। आर्टिकल 23 से लेकर 30 तक अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके इसमें कोई स्पेशल जजमेंट्स तो नहीं आए, क्योंकि इसमें बेयर एक्ट आपके आई है तो उसको पढ़ लेना आपके लिए काफी हद तक सफाइस करेगा, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं इसके आगे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस जो आपकी आती है ठीक है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कैसे एनवायरमेंट के अंदर डेवलपमेंट चल रही है, और साथ में टीपीएसपी और जो आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसका एस्पेक्ट है उसको थोड़ा कवर कर लीजिए। यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हो यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन आपका पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन जुडिशरी, इनकी पावर्स क्या, इनकी क्वालिफिकेशन, वो सब चीजें पूरा पूरा इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं जुडिशियल और सुप्रीम कोर्ट की, ओरिजिनल अपीलेट एडवाइजरी जुडिशन एडवाइजरी आपकी जो पावर होती है कोर्ट की, एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर जो होती है 142 के अंदर, वो लॉ जो कि डिक्लेयर करा है सुप्रीम कोर्ट 141 में, कंटेंट जुडिशन, ये सब जितनी चीजें हैं इनको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। फिर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जितने प्रोविजंस हैं उनको चेक कर लीजिएगा, इसके आपको मैंने नोट दे दिए हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अगला फैमिली लॉ, फैमिली लॉ के अंदर अगर हम लोग बात करें तो आपकी जो मेजर बेयर एक्ट है उसके अंदर से हम लोग आपको टॉपिक यहाँ पे मेंशन करे, सबसे पहले आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये टॉपिक्स आपको देखने हैं।
फिर आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर ये टॉपिक्स हैं आपके, मिताक्षरा नया भाग का, स्कूल कर्ता के पोजीशन पावर, ये सब कुछ पूरा इसके आगे का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अदर टॉपिक्स की। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि जो दो पहले मेजर बेयर एक्ट्स हैं आपके, मैरिज लॉ और आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट। उसको पढ़ने के बाद आपको ये जो एक्ट्स हैं इसके अंदर जो खास करके फैमिली कोर्ट्स एक्ट हो गया, वो मुस्लिम लॉ के अंदर जो मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन मैरिज एक्ट 2019 है उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आए हैं, फिर उससे जुड़े जो केसेस आए उनको कायदे से देखिएगा। फिर आपका हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटीज एक्ट में राइट्स ऑफ चाइल्ड को, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस उनको देखिएगा। डाउरी प्रोविजन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के भी जो आपके इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और उससे जुड़े हुए जो एक आध केसेस है उनको प्लीज आप देख लीजिएगा। अगर आपको ज्यादा इसमें हेल्प चाहिए तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप बात करते हो सीसी ऑनलाइन की तो वहां पे आपको ये केसेस जो है मिल जाएंगे। फिर अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद सीआरपीसी के, क्रिमिनल लॉ का जब स्लैब शुरू होता है इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ का जो सीआरपीसी का है उसके अंदर आपको बेसिक क्या होती है, इंपॉर्टेंस फंक्शनरीज जो क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जो आपको पूरे डेफिनेशंस आते हैं उनको आपको कायदे से देखना है। और इसके अलावा अरेस्ट, बेल और प्री जो आपकी ट्रायल प्रोसीडिंग्स होती है उसके अंदर ये जो टॉपिक्स हैं आपको ये कवर करने। फिर इसके आगे ट्रायल प्रोसीडिंग्स के अंदर ये जो टॉपिक्स हैं और उसके मिसलेनियस के अंदर अपील्स, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इररेगुलर प्रोसीडिंग्स और लिमिटेशन पीरियड्स, इनके टॉपिक्स को कायदे से करिएगा सीआरपीसी के अंदर। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं आईपीसी की, तो आईपीसी के अंदर कुछ ही टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके जो आपके जनरल एक्सेप्शन 76 वो इंपॉर्टेंट है। फिर इनकोहेरेंट फॉर्म्स ऑफ क्राइम जो आपके हो गए, आपके जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपका जो हो गया वो। फिर पनिशमेंट, आपका थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट जो होते हैं स्पेशल बिजनेस को, कैपिटल पनिशमेंट, बिकॉज कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर अभी थोड़े से कायदे में अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट अभी आया है, कन्विक्ट करा गया है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर आपका कल्पल होमसाइड एंड मर्डर, रैश एंड नेगलिजेंट एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर, ये तीन आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपका हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, किडनैपिंग, अबडक्शन, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के अंदर रेप, अननेचुरल ऑफेंसेस, क्रुएलिटी और बाकी के आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के जितने भी हैं, रॉबरी, डकैती और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसको कायदे से देखिएगा आईपीसी के अंदर। ये इसके आगे हम लोग बात करते हैं फिर टॉर्ट्स के। देखिए जो टॉर्ट्स है वो आपका इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एक मिसलेनियस सब्जेक्ट है, तो इसको आप कहीं ना कहीं टीयर 3 में क्लासिफाई करोगे तो इसके अंदर आपको इतना टाइम नहीं देना। इसके अंदर मैं बात भी करूं तो नेग्लिजेंस और वाइकेरियस लायबिलिटी का लीजिएगा, और सीपीए के अंदर डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर, अथॉरिटीज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन और रेमेडीज जो दिया रहता है कंज्यूमर को, वो आप सीपीए के अंदर अच्छे से कर लीजिएगा। और फिर साथ में जो अमेंडमेंट्स आए हुए हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, सीपीए और टॉर्ट्स आपका आराम से निपट जाएगा। फिर मैं अगर बात करता हूँ एविडेंस लॉ की, फिर ये जो है आपका टीयर 3 का सब्जेक्ट है, इसमें इतना ध्यान नहीं देना है, बस जो ध्यान देना है वो चीजें क्या है, टाइप्स ऑफ एविडेंस, ओरल डॉक्यूमेंट्री वो क्या होता है, प्रूफ ऑफ एविडेंस, गिल्टी ऑफ जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है डाउरी डेथ केस में, बिल के केस में, ऑर्डिनरी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है उसके केस में, वो सब चीजें जो आपका स्पेशल सर्कमस्टेंस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ जो चेंज होता है वो देख लीजिएगा। फिर जो टर्मिनोलॉजीज है, बेस्ट एविडेंस क्या होता है, ओरिजिनल आपका एविडेंस क्या होता है, मैक्सिमम क्या होते हैं, वो सब कुछ। फिर आपके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिए हुए उनको हम लोगों ने दे दिया है लिस्ट, आप इसको कायदे से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे, ये भी आपका एक टीयर 3 का सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, बट ये जो आपके एक्ट्स होते हैं इसके अंदर से क्या होता है कि जो केस लॉस पूछे जाते हैं और केस लॉस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा जो उसके अंदर स्टेट्यूट या फिर जो प्रोविजन इन्होंने डिस्कस कर दिया ना, कोई एक मान लो सेक्शन डिस्कस कर दिया या फिर उससे जुड़े हुए जो आपके सेक्शंस होते हैं उनको ये लोग पूछते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आपकी डेफिनेशन, जुवेनाइल कौन होता है, जेजे बोर्ड क्या होता है, ये सब चीजें, वेलफेयर प्रोविजंस, स्पेशल प्रोसीजर जो फॉलो होता है, फिर इसके आगे की जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है इनको आपको देख लेना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गए, जनरल प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट हो गया, ये सब चीजें आपको देख लेनी है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं यूएपीए के अंदर भी आपको देख लीजिए, सेक्शन 2 अच्छे से पढ़ना है, फिर चैप्टर 4, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 अच्छे से देखना है, खास करके आपका सेक्शन 43, 43AE और सेक्शन 43D, ये जो आपके तीन चार सेक्शन है ये केसेस के अंदर काफी इसको कवर किया गया, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके अलावा भी जो आपके बाकी हम लोग अभी मेंशन करे हैं साइड में वो आप देख लीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं एनडीपीएस के, तो इसके अंदर आपका लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल वगैरह जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है वो आपने स्टेचुरी इंटेंट पढ़ लिया आपने, फिर इंपॉर्टेंट जो आपके डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर वो आपने देख लिया, फिर जो जजमेंट्स है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन वो आपका मोर देन इनफ रहेगा, सफिशियंट रहेगा इसको समझने के, बिकॉज एनडीपीएस में भी जो जजमेंट्स आए हैं उस पर क्वेश्चन आएगा, थोड़ा कम चांस है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग कहते हैं कि आप इसको पढ़ लो, सेक्शन हम लोगों ने मेंशन कर दी है, आप ये जो पूरी चीज है इसको फॉलो कर लेना। फिर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल लॉ के, देखो इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला आपका प्रॉपरली हम लोग नहीं कह सकते कि हाँ भाई अगर ये टॉपिक संभव लॉ सर ने बता दिया कि ये फॉलो होगा तो इसी के अंदर से आएगा, आई एम जस्ट गिविंग माय बेस्ट गेस कि हाँ भाई इस चीज के ऊपर आ सकता है। और जो प्रेसिडेंट है, अगर आप पेपर पैटर्न की बात करोगे 2021 के पेपर के अंदर जो रिसेंट टॉपिक्स थे उसके अंदर से नहीं आया था,
2022 में रीसेंट टॉपिक्स जो आपकी यूक्रेन वॉर चल रही थी या फिर जो नगार्नो कारबाख का आपका जो कंफ्लिक्ट था उसके हिसाब से क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, तो ये एक वन ऑफ चीज भी हो सकती है कि जो आपका रीसेंट आ रहा है उसके अंदर से पूछा जाए फिर ना पूछा जाए। तो फिर रीसेंट के अंदर आपके जितने भी चीजें हो रही है ना उसको इंटरनेशनल लॉ के अंदर कायदे से नजर रखना कि वो किस पर्टिकुलर केस के अंदर लॉ के अंदर डील होता है। बाकी अगर बात करें टॉपिक्स की तो ये टॉपिक्स आप देख लें। फिर बात करूं मैं ज्यूरिसप्रूडेंस की, अब देखिए ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर जब पेपर आता है ना तो ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर उन लोगों की जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि वो आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है उसको भी टेस्ट करें और साथ में जो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज है ज्यूरिसप्रूडेंस के टॉपिक्स को लेकर उसको वो लोग टेस्ट करें। तो आपके लिए ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ते हुए सबसे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इसमें अच्छे से कम 3-4 दिन 5 दिन लगाकर पढ़ाई करो, अपने कंसेप्ट को डेवलप करो और उसके बाद क्वेश्चन इसमें जम के लगाओ, तभी आपकी ज्यूरिसप्रूडेंस नहीं पार होने वाली। केवल किताब को पढ़ लेने से काम नहीं होने वाला, कंसेप्ट के ऊपर पकड़ बनानी पड़ेगी और क्वेश्चंस जितने हो पाए उतने सॉल्व करोगे, जितना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे ज्यूरिसप्रूडेंस में उतने बढ़िया नंबर आएंगे। इसके अंदर ज्यूरिसप्रूडेंस में जो स्टूडेंट्स रहे हैं प्लास टॉपर्स उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया स्कोर किया, 11-11, 12-12 नंबर उनके आए हैं जितने क्वेश्चन आए थे। फिर आप समझ सकते हो ज्यूरिसप्रूडेंस इज इक्वली डिफिकल्ट एंड इक्वली स्कोरिंग। तो इसको जो जो आपने टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर दिए वो, और उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट आपका चीजें होती जो मैंने अपनी वीडियो में कवर करी ज्यूरिसप्रूडेंस की, उनको जरूर आप देख लें। फिर मैं अगर बात करता हूँ पीएमएलए और पॉस्को की, फिर आपका ये जो स्लैब है ये क्रिमिनल लॉ का हो गया। इसके अंदर भी देखिए मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने मेंशन कर दी, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। इसको भी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, केवल ये चीजें जो है इनको पढ़ लीजिएगा। फिर अगर बात करता हूं इसके आगे कमर्शियल लॉ की, अब देखिए कमर्शियल लॉ के साथ क्या कहानी है ना कि कमर्शियल लॉ के अंदर एवरीथिंग इज वेरी वेरी वास्ट और ये टेक्निकल भी होता है। तो क्लैट क्या करता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर ये लोग स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करते हैं कि हाँ आपको एकदम हम लोग डीप बिल्कुल बढ़िया वाली आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे। होता क्या है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बैठते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितने डेप्थ तक जाकर किसी सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन पूछना है। व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डेप्थ इज अलॉट, बट इन सब्जेक्ट्स के अंदर उतनी डेप्थ नहीं होती है, दे ओनली गो फॉर द बेस प्रोविजन और वो भी केवल उनके ऊपर अटैक होता है जो कि रिसेंट में केस लॉज के अंदर कवर करे गए हैं। तो आपकी जो कट ऑफ डेट होती है ना खास करके कंपनी लॉ की, वो आपके सीधे सीधे समझ लीजिए करीब अक्टूबर या फिर नवंबर के अंदर जितने केसेस आए ना वहां तक आपकी चली जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको जो रिसेंट में केसेस आ रहे हैं 2021 और 2022 के अंदर फॉर ईच सब्जेक्ट, टैक्सेशन हो, बैंकरप्सी हो, चाहे कंपनी लॉ हो, उसके अंदर आपको अच्छे से वो टॉपिक्स को देखना है, ठीक है। और साथ में आप ये समझ के चलो अगर आप बात करते हो तो एनआईएक्ट इसमें कुछ केसेस आपके आए हैं तो उसके अंदर आप जो बेयर एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं लॉन्ग टाइटल शॉर्ट टाइटल या फिर बाकी जो चीजें जो मैंने मेंशन करी उनको आप देख लेना। थोड़ा सा होता है चांस हो कि अगर आएगा इस बार तो आप उसको कर लोगे। बाकी जो मेरी एडवाइस रहेगी कमर्शियल लॉ को लेकर कि इसके अंदर ज्यादा दिमाग मत लगाना, केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना जो कि रिसेंट केस लॉज के अंदर कवर्ड है, और लेकिन उसको भी जब पढ़ना तो अच्छे से पढ़ना, बिकॉज भले डेप्थ ना पूछे लेकिन इसको पढ़ना जो कि आपके लिए ट्रिकी होता है कठिन होता है तो उसको अच्छे से करके जरूर जाना। फिर मैं अगर बात करूँ एनवायरमेंट लॉ की, तो देखो एनवायरमेंट लॉ के अंदर तो सिंपल है कि इसके अंदर आप बहुत सोच नहीं सकते, बहुत ही विगल रूम आपके पास नहीं होता कि मैं क्या पढ़ूंगा क्या नहीं पढ़ूंगा। डीपीएसपी, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, फिर आपका एमसी मेहता के जितने रिलेटेड केसेस है, इसके बाद आप अगर बात करते हो सीधे सीधे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, ये सब जितने एक्ट्स हैं इनकी जो मेन मेन प्रोविजन है इनको प्लीज पढ़ लेना। फिर जो आपके हिस्टोरिकल आपके केसेस है उनको पढ़ना है, बिकॉज देखो जो जजमेंट इसमें आ रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से पूछ लिया इन्होंने, उससे रिलेटेड जो केसेस थे वो उन्होंने पूछ लिए। इसके पहले जो आपका 2021 में हुआ था उसमें ये लोग रिसेंट केस लॉ में एक बार गए थे, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने केवल सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए डीपीएसपी से जुड़े हुए पूछे। तो इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस पॉइंट कर रहा हूँ कि डीपीएसपी को कायदे से करना और साथ में जो आपके ये वाइल्ड लाइफ एक्ट हो गया ये हो गया इसको धुक्की सीरीज अगर कोई सिंपल मिल जाए उसमें से कर लेना, और खास करके एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आपका एक्ट उसको यार अच्छे से करना, बिकॉज उसमें से चांस है कि क्वेश्चन आ जाए। और जो इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म चलता है उसके अंदर जो रिसेंट केसेस अगर मान लो आने वाले हैं या फिर आए हुए हैं उनको आप कायदे से कर ले। फिर मैं अगर बात करूं कि आपको अपने केस लॉज को कैसे पढ़ना है, तो देखो जब आप बात करते हो केस लॉ तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले आपका नेम ऑफ केस, फिर आता है आपका कोरम ऑफ जजेस, इसमें कि कंकरिंग और डिसेंटिंग ओपिनियन दोनों इंपॉर्टेंट होती है, और वो भी डिपेंड ये करता है कि जो कोरम है वो आप केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का या फिर जो 3 जज की बेंच होती है उसका पढ़ो, उसके नीचे के जजमेंट्स की अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हो और अगर मान लो सब क्वेश्चन आपका आ भी जाता है तो उसके लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज उतनी रिकॉल मेमोरी रख पाना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है फॉर एनी पर्सन टू
अपहोल्ड, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर उनको आप देख लेना, ओवरऑल जजमेंट्स जो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं वो इसके अंदर उन्होंने बेसिकली नत्या सिंह जोहर केस की एक एग्जांपल लिया हुआ है। फिर लॉज जो कि इन्वॉल्व है, ये जो आपका लॉज इन्वॉल्व वाला पार्ट है ना, ये आप क्लैट पीजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एकदम ताबड़तोड़ फोकस इसी पे रहता है, सबसे ज्यादा इसी के ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि जो जो लॉ इस पर्टिकुलर केस के अंदर यूज हुआ है उस लॉ को आपको कायदे से पढ़ना है। इसीलिए मैंने जितने भी आपके लॉज थे जो कि यूज हो रहे थे उनको मैंने पहले ही आपको बता दिया कि क्या क्या टॉपिक रीसेंट केस लॉज में आए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, उनको कायदे से करना। फिर प्रिंसिपल्स या फिर डॉक्ट्रिन जो कि आपकी यूज करेंगे, बिकॉज उसके ऊपर सीधे सीधे ये लोग केस पूछते हैं, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्ट्रैक्ट खास करके, और इन्वायरमेंटल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्ट्रिन और प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मार्क में। फिर ज्यूरिसप्रूडेंशियल एस्पेक्ट, इसके अंदर क्या होता है कि मान लो कि बड़ा केस है और उसके अंदर कोई ज्यूरिसप्रूडेंस की इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजन या वो यूज कर थोड़ा उसको देख लेना, उससे जो होता क्या है ना कि आपका जो इंपॉर्टेंट एम्फेसिस निकल के आता है जजमेंट का कि इन्होंने इस पर्सन को कोट करा या फिर ये पूछ लिया, मान लो जो आपका पैराग्राफ होता है उसके अंदर एक दो इन्होंने ज्यूरिसप्रूडेंस क्वेश्चन मान लो दे भी दिए तो आप कर लो, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का जो ज्यूरिसप्रूडेंशियल एस्पेक्ट है उसको कायदे से कर लेना। फिर अगर हम लोग लास्टली बात करें कि आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको कहां से लेना है, तो उसके लिए देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहला जो आपका होना चाहिए जैसे मैंने कहा एके जैन सीरीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक एग्जाम, इसको तो आप जरूर रखना अपने पास। और इसके अलावा भी मान लो कि सप्लीमेंट्री बुक यूज कर रहे हो तो केवल तभी यूज करना जब एके जैन से कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, लेकिन पूरे टॉपिक्स पढ़ने के लिए जो है उस बुक पे मत चला जाना, बिकॉज कॉमेंट्री इस वक्त पे 3 महीने के उस पर पढ़ना बिल्कुल फेटल फ्लॉ होगी, बिल्कुल फेटल मिस्टेक होगी, मत करना। दूसरी चीज अगर मान लो जो सब्जेक्ट नहीं है उसकी यूकी सीरीज अगर मिल रही है आपको उसका आप यूटिलाइजेशन करो। फिर केस लॉज की अगर बात करते हैं, आपके 3 सोर्सेज जो आपके लिए भगवत गीता के बराबर है वो है आपका एससी ऑब्जर्वर, इसके अंदर दिए हुए सारे के सारे केसेस को जाना पढ़ लेना विदाउट अ डाउट। उसके बाद अगर आप बात करते हो लाइव लॉ, ठीक है, और एससीसी ऑनलाइन लॉग, ये आपके लिए समझ लो संजीवनी बूटी के बराबर, ये दोनों वेबसाइट है, ठीक है। लिव लॉ का सब्सक्रिप्शन अगर नहीं लिया चाहो तो वो ले लो, फिर एससीसी ऑनलाइन से भी काम चल जाएगा। इसके अंदर आपकी जो आते हैं वॉल्यूम्स जिसमें कि क्वार्टरली बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे या फिर ईयर वाइज जो राउंडअप दिया जाता है उसके अंदर कवर्ड केसेस को तो जरूर से पढ़ना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप डेली उसको फॉलो करते रहोगे लाइव लॉ और एसईसी ऑनलाइन को, तो उसके अंदर वो लोग जो मेजर केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस पर वो लोग ब्लॉग देते हैं, उन ब्लॉग्स को पढ़ते रहना, नोट करते रहना, अपने नोट्स बनाते रहना रजिस्टर के अंदर, उससे आपका बहुत बड़ा चंक केस लॉ से कवर हो जाएगा, करीब समझ लो 70-80% चंक में बता रहा हूँ इसी से कवर होगा, ध्यान रखना। फिर इसके अलावा आप बात करते हो फैजान मुस्तफा सर के वीडियोस जो होते हैं उसको थोड़ा सा फॉलो करते रहना, बिकॉज उसमें से उन्होंने कवर करा तो उसमें तो वो आ सकता है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ कि आपको जो राउंडअप्स होते हैं उसके ऊपर आपको कायदे से फोकस करना है कि उसके अंदर अंदर कौन से केसेस कवर हो रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा विजिलेंस अपनी बढ़ा कर। इसके बाद अगर आप बात करते हो कि आपको अपने स्टैटिक को रिवाइज करने के लिए एक बुक को ही चाहिए, तो आपकी देखिए एक परीक्षा मंथन की आती है रेडी रेकुनर, ठीक है, ये जो बुक है आपकी, ये आपकी किसी भी एग्जाम में, चाहे आप बात करो जुडिशरी की, चाहे आप बात करो क्लैट की है, चाहे कोई भी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो, उसके अंदर ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा संजीवनी बूटी की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इस बुक को जरूर ले लेना, और जो आपका लास्ट का 1 महीना बचेगा ना उसमें इस बुक का इस्तेमाल जरूर करना, बिकॉज इसके अंदर से रिविजन करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना तो आप वो भी कर सकते हो, और साथ में अगर आपको अपने फ्रेंड्स को भी बताना है कि क्लैट प्रिपरेशन कैसे करनी है 3 महीने में, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।